हेलो स्टूडेंट, आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2x+5 9 = 9, 5x-8y = 2। इसके लिए आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक हमें ट्रिक याद करनी है, 2 3 1 2। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे और सबसे पहले इनको आपस में कंपेयर करेंगे, यानी कि इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, a1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, ऐसे ये क्या है, b2 है, b1 है, ये है c1, ये आ जाएगा हमारा a2, b2 एंड c2। जो 23 12 है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। 23 12 का मीनिंग क्या हुआ, पहले सेकंड नंबर वाले टर्म यानी कि ये 1 2 3, 23 2 पहले नंबर पे आएगी, फिर ये टर्म लिखेंगे, फिर हम 1 लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये क्या है, 23 12 का मेथड है। इसमें आपने एक को ध्यान रखना है, जब हम ये मेथड लगाते हैं तो हमारा जो बेस है या जो फॉर्म है वो क्या होगी, ये होगी x, यहाँ y, यहाँ होता है -1। -1 हम कब लेंगे, जब इक्वल टू में कोई वैल्यू है, इक्वल टू में कोई वैल्यू नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। ठीक है, अब x के नीचे हमें पहले कौन सी टर्म लिखनी है वो ध्यान रखना है। पहले अगर सेकंड नंबर वाली वैल्यू 5 और 8, 5 माइनस का 8, माइनस का 8 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, माइनस का 1, ये होगी सेकंड। अब लिखेंगे थर्ड नंबर पे 9 एंड 2, फिर है 1 पहले नंबर वाली, 2 5, फिर हम लिखेंगे सेकंड नंबर 5 माइनस 8। अब आपने इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस में होगा इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स आ जाएगा, 2 5 10, माइनस माइनस, यहाँ फार्मूले में माइनस ही लगेगा, -9 8 72, माइनस के 72 इक्वल टू में, फिर इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, y 45, -2 2 4, ऐसे ही फिर इसकी मल्टीप्लाई, -1, -16, -41 यानी कि 25। ठीक है, अब इनको टोटल कर लो, इनका टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 10 + 72 इक्वल है y, 41 इक्वल टू माइनस माइनस 41, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बाय में 82 इक्वल टू बाय बाय में 41, 1 बाय में 41। अब आपने इनको कंपेयर करना है, पहले इसके वाई एक्स को इसके साथ, फिर वाई को इसके साथ, x 82 इक्वल टू 1 बाय 41, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ऐसे ही y/41 = 1 41 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये क्या हमारा आंसर है। आपने इसी टाइप से क्वेश्चन करनी है, ये ध्यान रखना है, पहले सेकंड नंबर वाली टर्म आएगी, फिर थर्ड नंबर वाली आएगी, फिर 1 आए फर्स्ट नंबर वाली, फिर सेकंड नंबर वाली। ठीक है, ये वाली टर्म्स आएंगी, और जब आप पहले इसकी इस टाइप से मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस का साइन लगेगा, जैसे 2 5 10, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वो अलग लगेगा, ये फार्मूले का माइनस आएगा ही आएगा एक। ओके, थैंक यू।